फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ईयर स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का ना ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। अब इस ऐप में ना नीचे की साइड आपको ऐप्स का ये ऑप्शन है ना, ऐप्स पे टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो ईयर स्पीकर है ना, ईयर स्पीकर को आपको हल्के हाथों साफ करना है। होता क्या, ईयर स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण वो ठीक से काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना डैमेज हो सकते हैं और वो बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों साफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए आखिरी अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। आपको है ना नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से ना नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है।